कोटा शहर के महावीर नगर कॉलोनी में शनिवार सुबह 5 बजे रिहायशी कॉलोनी में लेपर्ड आने से हड़कंप मच गया। इस दौरान लेपर्ड ने 4 लोगों पर हमला कर दिया। हमले के बाद लोग चिल्लाने लगे और वह एक घर में जा घुसा। बताया जा रहा है कि इस घर में पति पत्नी रहते हैं। कमरे में लेपर्ड को देख उन्होंने खुद को दूसरे कमरे में बंद कर दिया है। लेपर्ड के हमले से 2 गंभीर घायल हो गए हैं, जिन्हें कोटा के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना तड़के 5 बजे के आसपास की है। पहले सुबह 5 बजे शिवज्योति कॉन्वेंट स्कूल के आसपास इलाके में इसे देखा गया था। अलग अलग जगहों पर 4 लोगों पर अटैक कर दिया। इसके बाद वह गड़गौरी पार्क इलाके में आया और वहां गाय पर हमला कर दिया। चिल्लाने पर वह एक मकान की छत पर चढ़ गया। यहां सीढ़ियों के सहारे उतर एक घर में घुस गया। यहाँ पति पत्नी रहते हैं। लोगों की आवाज सुन जब वे दूसरे कमरे से बाहर आए तो कमरे में लेपर्ड को देख भागे और खुद को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। सूचना मिलने पर एडिशनल SP 2-3 थानों के CI, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, कांग्रेस नेता विद्याशंकर गौतम समेत कई लोग मौजूद हैं। इसके साथ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को ट्रैकुलाइज करने के लिए भी बुलाया गया है। लेपर्ड को पकड़ने के लिए छत पर जाल लगाया गया है। इस दौरान लेपर्ड रसोई में जाकर छुप गया। करीब 10 मिनट 54 सेकंड पर लेपर्ड को ट्रैकुलाइज किया गया है। घर में घुसा लेपर्ड 4 लोगों पर हमला किया है। जिस हाथ से मैंने उसको मतलब उसका मुंह पकड़ा तो उसी मुंह को उसने जो चबा दिया एक, तो मैं उससे संघर्ष करता रहा। मैं पड़ोसी की छत पे कूद गया एक बार। मैंने सोचा इस साइड में उसका गेट खुला हुआ है, अंदर चल के कुंडी बंद कर लेंगे, तो उधर उसकी छत पे भी आ गया। वो वहाँ पे भी वो मेरे संघर्ष करता रहा। बड़ा लगभग था वो चार फीट हाइट होगी लगभग उसकी। दरवाजे के पोर्च में ही वो बैठा हुआ था, दरवाजे के पास। उसने मेरे पंजे की मार पकड़ा मुझे, मैं चिल्लाया भी और मैंने गर्दन पकड़ी उसकी। फिर वो छोड़ के और मेरे कांच लगे हुए थे सामने ब्लॉक बॉल करने में, उन कांच को तोड़ते हुए भग गया।